उर्वे के सामने आ गई राजवंश खुशी के अतीत की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवंश की माँ खुशी के पास आएगी और राजवंश की माँ खुशी को कहेगी कि खुशी तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना, और तभी वहाँ पर खुशी के पास पूर्वी आएगी और राजवंश की माँ पूर्वी के सामने खुशी को कहेगी कि खुशी तुमने पूर्वी को बताया, तभी ऐसों का पूर्वी को कुछ समझ नहीं आएगा और पूर्वी राजवंश की माँ से कहेगी क्या खुशी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, दीप बोलो ना कौन सी बात है। तभी राजवंश की माँ खुशी को कहेगी कि खुशी तुमने पूर्वी को कुछ नहीं बताया। तभी पूर्वी खुशी को कहेगी कि दीप कौन सी बात है जो आपने मुझे नहीं बताई। तभी राजवंश की माँ पूर्वी को कहेगी कि अतीत तुम्हारी ये खुशी दी ने अतीत के बारे में नहीं बताया कि पहले क्या क्या हो चुका है, जिस ससुर का पूर्वी को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर खुशी अपने मन में नर्वस हो जाएगी और हिचकिचाने लगेगी और अपने मन में कांपती हुई डरेगी। तभी पूर्वी खुशी को कहेगी कि दीप बताओ ना क्या बात है, कौन अतीत है जो आपने मुझे नहीं बताया। तभी राजवंश की माँ पूर्वी को कहेगी कि पूर्वी अतीत क्या था ये अपनी दी के पास पहले जान लेना, मैं चलती हूँ। तभी राजवंश की माँ के जाने के बाद पूर्वी खुशी को कहेगी कि दी मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आपको अतीत के बारे में कुछ बताना है क्या नहीं। तभी खुशी पूर्वी को कहेगी कि कौन सा अतीत, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पूर्वी खुशी को कहेगी कि दी कुछ न कुछ तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, और अभी राजवंश की मॉम ने जब अतीत के बारे में बात की तो आप ऐसे अचानक से नर्वस हो गए और डरने लगे, और ऐसी नर्वसनेस और डर मैंने आपके अंदर आज तक नहीं देखा जो आज मैंने देखा। जिस ससुर का खुशी को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर पूर्वी कहेगी कि दी आप सच सच बताइए, आपको मेरी कसम मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। तभी ऐसुन का खुशी कहेगी तो ठीक है सुन मेरी बात, यहाँ पर अकेले मैं आऊँ, पहले मैं और राजवंश एक साथ थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन उस शादी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया जिसकी वजह से मेरी और राजवंश की शादी नहीं हो पाई। ये कहकर खुशी पूर्वी के सामने राजवंश की बुराई बताते हुए अपने आप को अच्छा बताएगी और पूर्वी को काफी बड़ा शौक लगेगा। यहाँ पर जब खुशी पूर्वी को कहेगी कि राजवंश ने तुमसे शादी सिर्फ मेरी वजह से की ताकि वो मेरा बदला तुमसे ले सके, इसलिए राजवंश ने तुमसे शादी की, तभी ऐसुन का पूर्वी को काफी बड़ा शौक लगेगा और पूर्वी रोती बिलखती हुई अपने कमरे में चली जाएगी। यहाँ पर जब राजवंश पूर्वी के पास आएगा और पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, तभी ऐसुन का पूर्वी राजवंश को कहेगी मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बस कुछ बातें राजवंश तुम्हारे बारे में पता चली है, बस उसी के आंसू है। ये ससुर का राजवंश को काफी बड़ा शौक लगेगा और राजवंश पूर्वी को कहेगा कि कौन सी बात, तभी पूर्वी कहेगी कि मैं सबसे ज्यादा खुश तब थी जब तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने सिर्फ मुझसे शादी की, लेकिन वही मेरी जिंदगी की आगे चल के भूल साबित होगी तो ये मुझे पता नहीं था। ये ससुर का राजवंश पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी ये तुम कैसी बात करी हो, तभी पूर्वी कहेगी कि मैं सच बात कर रही हूँ, जो है वो है, क्या तुम्हारा रिश्ता पहले मेरी बहन खुशी के साथ था और तुमने क्या मेरी दी खुशी को धोखा दिया था और उसी का बदला लेने के लिए तुमने क्या मुझसे शादी की। ये सब पूर्वी के मुंह से सुनकर राजवंश के होश उड़ जाएंगे और यह राजवंश खुशी के रिश्ते की असली सच्चाई पूर्वी के सामने अब आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आप किसकी जोड़ी को एक होते हुए देखना चाहते हैं, राजवंश खुशी को या फिर राजवंश पूर्वी को या फिर मोनिशा राजवंश को, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।